हाय दोस्तों, तो आज हम देखेंगे क्यूब कैसे टेस्ट किया जाता है। तो हमने एक क्यूब ले आया 28 डेज़ का। 28 डेज़ क्यूबिंग के बाद उठा के ले आया, जिसकी साइज़ है 150 mm बाई 150 mm। और उठाने के बाद हमने ये लगा दी CTM मशीन पे। CTM मशीन मीन्स कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन, इस पे लगा दी। और ये अपना जो CTM मशीन है, ये इलेक्ट्रिक CTM मशीन है। और इसकी जो डिस्प्ले है ये डिजिटल डिस्प्ले है। और अपनी जो CTM मशीन है ये 1000 किलोन्यूटन तक की लोड ले सकती है। तो अभी जो ये लोड आ रहा है ये किलोन्यूटन पे आ रहा है। एक्चुअली जो क्यूब के स्ट्रेंथ लिया जाता है न्यूटन पर mm² पे लिया जाता है। तो हम देखते हैं कितने पे जाके रुकते हैं ये किलोन्यूटन पे। अभी जो आया है 590 तक पहुंच गया आया। अगर आप लोगों को जानना है किलोन्यूटन को कैसे न्यूटन पर mm² पे कन्वर्ट किया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। आप लोगों की कमेंट के पढ़ने के बाद ही मैंने एक नया वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा किलोन्यूटन को कैसे न्यूटन पर mm² पे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि ये हमारा जो क्यूब है इसकी जो सरफेस है 150 बाई 150 की है। तो अगर हम इस पर जो कितना किलोन्यूटन आएगा उसको 22.5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वही आएगा इसकी न्यूटन पर mm² की यूनिट। तो अभी देख लेते हैं कितने पे जाके ये रुकती है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना देखने के बाद। तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो सब मिलके एक दिन बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। और ऐसे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो बनाते ही जाएंगे। देखते हैं कितने पे पहुंचते हैं। अभी ये आया ये 880, ये 890। देखते हैं कहाँ तक जाके रुकती है। जितने भी जाके रुकेगा ये आएगा इसकी किलोन्यूटन उनकी यूनिट। और इसको अगर हम 22.5 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा इसकी न्यूटन पर mm²। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे रिलेटेड वीडियो चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करना। मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। देखते हैं हम कितने पे जाके रुकते हैं। ये रुका है 970 पे।